वहाँ लगी हुई है माता रानी की भव्य मूर्ति सामने, तो बोलो जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई काफ़ी टाइम बाद आपको मेरा ये चेहरा देखने के लिए मिल रहा हुआ, क्योंकि भाई व्लॉग्स पे थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे हम, क्योंकि मेरी खुल चुकी है शादी और शादी के लिए भी मैं अपनी सीरीज अलग से बना रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ झंडे वाला मंदिर विथ अपनी टीम, और ये हमारा अंशु अंशिका, और ये अंशु के रावण जो दशहरे वाले दिन चलाए जाएंगे, और ध्रुव मुझे नीचे लेने आ चुका है, वहाँ से अल्लाह मचा रहा है, देखो आवाज़ आ रही है। तो भाई ये हैं अपने भाई, सही भाई रेडी हो चुके हैं, और हमारे चेतन भाई अपने कपड़े ढूंढते हुए भाई सभी हम तैयार हो चुके हैं। झंडे वाले मंदिर जाना है तो क्या 9:30 बजे पहुंच जाना, 9:30 बजे पहुंच जाना अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके लंबे वाले होंगे जो खड़ा रहेगा। भाई भाई आ चुका अपना पूरा तैयार होके, आज ये जय माता की, आज ये ध्रुव के साथ रहेगा इसलिए सेम सेम पहन के आए दोनों के दोनों, देखो नीचे से लेके साथ रहना, जय वीरू। तीसरा भी साथ में आ रहा तुम्हारे, तो भाई यहाँ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, सब बोल रहे हैं भाई बोलेंगे हम ठीक है, मजा आ रहा है, ऐसे बोलो ठीक है मजा आ रहा है, ठीक है बड़ा सही चला मजा आ रहा है भाई, तुम्हें माँ कसम नहीं बोला ना याद रखना, चल ठीक है भाई। अपनी उबर का इंतजार करते हुए देखो कैसे झपट्टा मार रहे हैं उस पे आते के साथ ही, भाई हो रहा आ गया बजा ले भाई, तू बनाने मत दियो वीडियो में, ये देखो भाई ये अपनी गाड़ी और हमारी पार्टी हो रही है भाई सारे। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आ रही, जय माता दी पप्पू भाई, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई ने पड़ गया, नारियल फोड़ दिया था हमने गाड़ी के नीचे, हां भाई फोड़ दिया था, भी हमने फोड़ दिया भाई, लगा दिया था भाई, सब सारी तैयारी कर ली भाई हमने, किसके गले में अच्छा भाई गाने चल रहे हैं बड़े सीरियस, और हमारे भाई का एक्सपीरियंस देखो, भाई मैं कूद जाऊंगा भाई, हम जा रहे हैं 12 खंबा रोड, 12 खंबा रोड, 12 खंबे लगे बड़े रोड पे जाना है, जिनने किसी ने बुलाया है मोटी रकम लेने के लिए, तो जीपे करने जा रहे हो वहाँ? नहीं तो फाइनली दोस्तों अपनी उबर से हम उतर चुके हैं, भाई हमारे को छोड़ने आए थे ये, और वहाँ की तरफ लग रहा काफी जाम, लाइक करो फॉलो करो भाई को, राइड करो जितनी हो सके उबर पे भाई, लेकिन उन्होंने एक भाई का नंबर डाल देंगे, गाड़ी नंबर देख सकते हो तो आप, भाई को बुकिंग पे बुकिंग दो, सांस मत लेने दो भाई, बहुत अच्छे भाई हमारे इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने भाई गाड़ी चलाई, मोबाइल नंबर, भाई नाम नाम भाई का नंबर डाल लेंगे हम, उबर आईडी डाल लेंगे, और भाई सुन सीलू ही कहता है अभी, सीलू मेरे को भाई जानते हो कल्लो ही कहता है, तो भाई मैंने बुक करी थी भाई, भाई की भाई हम रेटिंग कर देंगे, पाँच दिए, 5 स्टार अभी। तो दोस्तों उतर चुके हैं हम अपनी कैब से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा रोड सजाया हुआ है, ये माता रानी का झंडे वालन रोड जाता है ये सीधा, और अभी बज रहा है रात के 9, लाइटिंग देख सकते हो आप कितनी प्यारी की गई है यहाँ पर, और ये जो जाम लगा हुआ है ये इसी वजह से लगा हुआ है क्योंकि लोग बाग दर्शन करने आ रहे हैं माता रानी के नवरात्रों में, और अपने भाई भी पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं सबसे आगे आ गया था वीडियो बनाने के लिए, बाकी ये बच्चे पता नहीं किसके यहाँ अकेले घूम रहे हैं, और ये अपने सारे भाई, जय माता दी, ये अपने चेतन भाई,
अभी वैष्णो देवी से आए हैं। अगर आपने इनका वैष्णो देवी का लोग ना देखा हो तो भाई जाके प्लीज देख लेना। दूर आपको चलने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ये आने का रास्ता है। और यहाँ पे जमा होंगे अपने जूते चप्पल, यानी के शू रैक यहीं पे बने हुए हैं सारे, और सब भाई हम एक ही जगह अपने जूते चप्पल जमा कर देंगे ताकि हमारे को एक ही टोकन मिल सके। यहाँ पर जल सेवा भी लगी हुई है भक्तों के लिए, और सबसे पहले प्यास लग चुकी है हमारे चेतन भाई को, सॉरी हमारे गौतम भाई को। पी लेता हूँ। ये पानी की सुविधा भी यहाँ पर लगी हुई है। भीड़ देख सकते हैं भाई, अभी रात के 9 बज रहे हैं और कितनी हो रही है। लाइन नंबर 2 यहाँ से रास्ता बना हुआ जाने का, और हम भी देखते हैं हम भी यहीं से जाएंगे या फिर आगे से जाएंगे। तो भाई आ चुके हम लाइन के अंदर, वहाँ से चेकिंग करवा के, और यहाँ से जा रहे हैं आगे अपनी लाइन में। चेतन भाई हमारे आगे चल रहे हैं और अंकित भाई अपने लक्की भाई जय माता की बोलते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। भाई देख सकते हैं लाइन पूरी रुक चुकी है और भीड़ हो गई एकदम शान, और अभी कुछ होने वाला भीड़ में। तो भाई देख सकते हैं मंदिर के अंदर डेकोरेशन कितनी प्यारी की गई है इस बार। और भाई भीड़ देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है अब की बार यहाँ पर, और हम आगे लाइन में चलेंगे। अगर हम रुक गए तो भाई भीड़ हमें कुचल के आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है मंदिर में और माता रानी के भजन चल रहे हैं, तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी हो रही है यहाँ पर। गर्मी के हिसाब से यहाँ लाइन के लिए भक्तों के लिए पंखे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, ताकि लोग बाग गर्मी से परेशान ना हो, नहीं तो ऐसा हाल हो जाता है। माता रानी का पूरा भगवा थीम पे सजाया गया है, और यहाँ से होते हैं माता रानी के। यहाँ लगी हुई है माता रानी की भव्य मूर्ति सामने, बोलो जय माता की। छोटी सी बात है, ये लोंडिया बाजी में कुछ नहीं लगा। माता के दरबार पे आओ, माता के यहाँ पर आओ, मन पवित्र हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया हमारे लक्की भाई ने, और मन देखो कैसे तृप्त हो गया है इनका, झंडे वाला मंदिर आके बोलो सच्चे दरबार की जय। बाजी भाई पूरा मंदिर अपना भव्य सजा हुआ है, इधर से आएंगे आप माता रानी के दरबार। यहाँ पे होते हैं माता रानी के गर्भगृह के दर्शन।
की अखंड ज्योत। यहाँ बना हुआ माता रानी का भवन और असली गर्भगृह जो बताते हैं वो होता है यहाँ से नीचे की तरफ, जो कि कुछ सालों पहले नीचे के ही दर्शन कराए जाते थे। माता रानी की भव्य प्रतिमा नीचे ही रखी हुई थी। बाकी कुछ होने के बाद उसके बाद यहाँ पर माता रानी के ऊपर एक प्रतिमा लगा दी गई और ऊपर के ही दर्शन कराने लगे। बाकी बताया जाता है मैन गर्भगृह नीचे है यहाँ का। बाकी भाई भगत देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने आए हुए हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जिनसे काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। फाइनली दोस्तों दर्शन करके हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ मिलेगा हमारे को शिव जी का भव्य मंदिर, जो कि पिछले साल आया था, मैंने पिछले साल भी देखा था और इस साल भी हम दर्शन करेंगे वहाँ के। भाई यहाँ के पंखे देखो कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, रेलवे स्टेशन में नहीं लगते जो वाले लगे हैं, और उनकी हवा इतनी मस्त आ रही है। और इस बंदे को पता नहीं कहाँ की जल्दी है बारात के लिए। ऊपर की तरफ जाने का रास्ता, बाबा भोले जी का मंदिर बना हुआ था, काफी भव्य पर बना हुआ है सॉरी। बाकी इस तरफ जाने नहीं दे रहे, अब की बार यहीं से ही बाहर भेज रहे हैं। इस तरफ से आ चुके हैं हम और यहाँ से मिल रहा माता रानी का प्रसाद। अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाकी भाई मंदिर काफी भव्य सजा रखा है, लाइटिंग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन की गई है। और भाई हमारे भाई लाइन में लग चुके हैं, ये सोच रहे हैं यहाँ पर मिल्क शेक फ्री में बट रहा है, बाकी देखते हैं फ्री में बट रहा है या फिर। भाई यहाँ की तरफ लगी हुई है कुछ दुकानें जिसपे दूध वगैरह मिल्क शेक वगैरह मिल रहा है, और ये भाई लाइन में लग गए थे सोच के कि फ्री मिल रहा है, फिर लाइन से हट गए। फ्री का नहीं है, झोल है, झोल दुनिया गोल है। और भाई ये है बाहर जाने का रास्ता, कुछ भी आपके पास कूड़ा कचरा है तो इन डस्टबिन में डालें, बाहर ना डालें। भाई यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, अपना प्रसाद खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। लड्डू बढ़िया मावे का लड्डू है, घर वाले खा लेंगे नहीं हम खाएंगे। बाकी भाई डेकोरेशन देख सकते हैं आप कितनी प्यारी की गई है, पूरा रोड सजाया हुआ है। और भाई मंदिर से बाहर निकल के आ चुके हैं हम, और यहाँ पर ये लगा रहे हैं। इस बंदे के साथ जैसे भी बिहेव कर ले बंदा खुश रहता बोलने लगी अगर भाई हो तुम हमारे सारे ब्लॉग देखते हो सारे के सारे तो इधर आइए, आपको एक चीज दिखाते हैं। ये वाली बस आपने कौन से ब्लॉग में देखी थी बताइए कमेंट में हमारे, जल्दी से जल्दी। तो भाई अब बुक कर लिया हमने वापस घर जाने के लिए उबर, और बैठते हैं अपनी उबर में, चलते हैं घर।